सो गाइस वेलकम बैक टू द सेकंड डे सर गाइस, आज का जो चैनल है और सॉरी व्लॉग है वो ये सीन है कि मैंने ले लिया है टिकट, उसके अंदर फेरी भी फ्री है और फ्री तो नहीं कह सकते, पे किया मैंने 147 क्रोन्स और बसेस भी पूरे ओस्लो में जहां भी जाएंगे फ्री है और फेरी है एक छोटा सा शिप। अभी चलते हैं बस पे और मैं आपको फेरी का टूर करवाने लगा हूँ, चलते हैं बस वाली साइड पे। ओके लेट्स गो। ये चेक करें, टेस्ला खड़ी है टैक्सी के तौर पे, सिस्टम वो जा रही है एक टेस्ला, ठीक है ये वो पीछे से इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ गाइस इधर बहुत हैं, ठीक है और तभी तो लेस पोल्यूशन है यहाँ पे गाइस। भू सर्दी ने ये देखें, ये भी एक आई है, ठीक है सर्दी बहुत है यहाँ पे, माइनस में टेम्परेचर है इस टाइम। चेक करते हैं इसका मटेरियल, ओ तेरी पर नाइस गाइस। मैंने जाना है वो सामने प्लेटफॉर्म बी पे, सो गाइस वो सामने से ट्रेम आ गई है जी, है ये किधर जा रही है, ये अपोजिट है, जो इधर आएगी उसके ऊपर बैठ के जाना है, ठीक है इधर बैठ जाते हैं जी। सो गाइस सीन अब ये है, ये ट्रैम से भी मैंने 12 नंबर की ट्रैम ली और अब मैं पहुंच गया हूँ आकर ब्रेक गए और अब वो सामने हमने फेरी लेनी है, ओके और फेरी से फिर आगे चलेंगे। गाइस मुझे नहीं पता ये फेरी कहाँ पे जाती है, लेकिन मैं बैठ रहा हूँ बस और देखते हैं जहाँ भी जाएगी जान दे, और टिकट वही वाला चलेगा। सो गाइस बाहर का ये व्यू है और ये देख सकते हैं आप, और हमने जाना है अभी उस कॉर्नर पे, ठीक है वो वाले इधर। तो गाइस ये तो मज़े हैं फिर इधर के, आप फेरी पे ट्रैवल करो तो गाइस कोई चेक भी नहीं करता इधर, और अब इनको ट्रस्ट है, बहुत सारी ट्रस्ट किया है, आप ना ट्रेन में किसी ने चेक किया ना बस में कोई चेक करता है, लेकिन मैंने टिकट बाय किया हुआ है पूरे 147 करोड़ का। सो गाइस ऐसे है कि नेक्स्ट प्लान ये है कि अभी अक्कर ब्रिगे से वापस नहीं, अभी ये जा रहे हैं हम नासो दक्कन और अभी यहाँ से वापस जाना है अक्कर ब्रिगे, क्योंकि मैंने सिर्फ फेरी का थोड़ा सा व्यू दिखाना था अपने गाइस को, तो अभी वापस जाएंगे। हवा बड़ी तेज़ चल रही है इधर और इससे पहले कि ठंड लग जाए, पहले ही मुझे हल्का हल्का ऐसे ऐसे फील हो रहा है, तो अब वापस जाते हैं अंदर और अक्कर ब्रिगे वापस जाएंगे और उसके बाद स्टेशन चलते हैं, ओपरा हाउस ट्राई करता हूँ, वहाँ मैं जाता हूँ और देखते हैं। और ये पीछे फ्लैग आ रहा है, चेक करें प्यारा लग रहा है। सो गाइस नेक्स्ट प्लान ये है कि हम जा रहा हूँ मैं ओस्लो ओपरा हाउस, तो ये ट्रैम आ गई है जी और ट्रैम पे अब जाएंगे हम ओस्लो ओपरा हाउस, ओके। सो गाइस अब ये 54 बस है और अब जो है ओस्लो ओपरा हाउस के लिए ये वाली बस लेनी पड़ रही है, और अभी बस में चलते हैं जी और इधर ही कुछ सीट मिल जाएगी, ये जगह ठीक है, तो ये सीन है। तो गाइस अब बस में जो है बैठ गया हूँ और इसने अब जाना है ओपरा हाउस के पास, और साथ ही 2 मिनट की वॉक है उससे आगे चले जाना है ओपरा हाउस के पास। सो गाइस दिस इज ओपरा हाउस और ये है मेरी बैक साइड पे व्यू सारा आप देख रहे हैं, और लेट्स गो ऑन दिस स्लोप, ये काफ़ी इंक्लाइंड है और ऊपर से जाके इसका व्यू वगैरह देखते हैं कि क्या व्यू आता है नीचे। उस दिन मैं पहले भी लास्ट टाइम जब लास्ट ईयर आया था तो यहाँ पे नीचे इधर नीचे लाइब्रेरी है, आर्ट टाइप चीज़ें हैं अंदर पड़ी हुई थोड़ी बहुत, सीनरीज वगैरह हैं, और बीच में वो ऐसे करके घूम के जाता है कोई रिंग सा बना हुआ है वुडन का वो है, लेकिन अंदर देखता हूँ मैं जाने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि अंदर जाने का कोई टिकट हुआ फिर मैं नहीं जाऊँगा अदरवाइज जाऊँगा, तो मैं सोच रहा हूँ मैं इधर से जाऊँ या इधर से जाऊँ, लेट्स गो फ्रॉम हियर।
ये ऊपर से व्यू भी देख लें। हाँ, काफ़ी ऊपर है ये, पूरी नीचे सारी स्लोप ही स्लोप है और ज़्यादा। सो गाइस सीन ये है कि अभी जा रहे हैं वापस नीचे, क्योंकि अच्छा ये भी है कोई पता नहीं क्या है ये, बट अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो गाइस अभी ऐसे है कि समर नहीं है, जिसकी वजह से आवाम थोड़ी सी कम आई हुई है, लेकिन यही अगर आप थोड़े से मौसम इस तरह में आओ कि समर टाइम हो, थोड़ी सी गर्मी सी हो ना, तो काफ़ी इधर रश होता है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब आया था तो तब धूप वगैरह भी थी, लेकिन अभी तो वैसे शाम हो गई हुई है, इसलिए धूप का तो कोई निशान निशान ही नहीं हो सकता, बट लास्ट टाइम काफ़ी यहाँ पे लोग थे और सिटी घूमने के वाइज ठीक है, नॉट बैड, अच्छा है, एक्सप्लोर किया जा सकता है। लंदन का लेवल थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि लंदन तो लंदन है ना, तो ओवरऑल अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं। सबसे अच्छा यह है कि टिकट फ्री हैं, मतलब ट्रैवल आप कर सकते हो बस ट्रेन ट्रैम। तो गाइस अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ कि इतनी सर्दी में लोग यहाँ पे डुबकियाँ लगा रहे हैं, चेक करें ज़रा ये पानी में देखें, इधर गया वो सामने अंदर जा रहा है, अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले पानी में जंपिंग कर रहे थे, ये खड़े हैं, हाउ। तो भूख काफ़ी लगी थी, फिर मैं न्यू बेरूत कबाब चला गया, वहाँ से जाके शलिंग कबाब ट्राई किया मैंने। Hi guys, welcome back. तो गाइस सीन ये है आज के अकोमोडेशन को हमने बोल दिया है अलविदा, और अब मैं जा रहा हूँ वापस यूके मैनचेस्टर। अभी मैंने जाना है बस लेके, ओस्लो बस टर्मिनल है उधर, और उसके बाद फिर बस के बाद हमने दूसरी बस लेनी है जो ओस्लो टॉर्प एयरपोर्ट पे लेके जाएगी, ठीक है जी। तो चलते हैं फिर उस साइड पर ही। गाइस बस टर्मिनल पे मैं पहुँच गया हूँ, ठीक है, ये है बस टर्मिनल ये, ओके। तो अब हमने जाना है अंदर, अंदर जाकर टिकट का देखते हैं क्या सीन है। तो गाइस ये है लिखा हुआ संजय फोर्ड एयरपोर्ट टोल 8:20 AM प्लेटफॉर्म पे आनी है, ठीक है, अब हम उधर चलते हैं। दिल्ली टोल एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं जी, अब अंदर करते हैं चेक इन वगैरह। सो गाइस ऐसे है कि अब चेक इन करने के लिए मुझे इस लाइन में जाना है, ये इनमें से चेक इन होना है। रायनेयर का कोई आइडिया नहीं है किधर है, अभी देख लेते हैं, पूछ लेते हैं। तो गाइस सीन ये है कि अभी चेक इन स्टार्ट नहीं हुआ, लाइक विद इन 20 मिनट्स नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, अभी मतलब रायनेयर का कुछ भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, तो अभी 15 मिनट्स के बाद स्टार्ट होगा, तो आई हैव टू वेट। तो अभी चलते हैं किसी और जगह पे। गाइस ये है मेरा बोर्डिंग पास और अब होना है सिक्योरिटी चेक, ये यहाँ पे अब सिक्योरिटी चेक होगा, यहाँ पे मैं अपना बारकोड स्कैन करूँगा और फिर उसके बाद सिक्योरिटी का चेक होगा वो वहाँ पे, ठीक है जी। बस ऐसे है कि चेकिंग भी हो गई है, ठीक है, सिक्योरिटी चेक क्लियर हो गया, अब जा रहे हैं गेट पर क्योंकि बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, चेक करते हैं जाके क्या सीन होता है। ये जी रायनेयर की फ्लाइट। सो गाइस ये क्या फ्लाइट का नाम है जी, ये फ्लाइट का नाम बड़ा अजीब सा भी। तो गाइस सीन अभी ये है कि सब कुछ क्लियर है, अब मैं गेट 24 के पास आ गया हूँ और अब हमने वीज़ा का चेक करवाना है और उसके बाद फ्लाइट का वेट करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं वीज़ा चेकिंग की तरफ, 24 गेट नंबर है, लेट्स गो चेक करने के लिए, अब चलते हैं। गाइस फ्लाइट भी आ चुकी है, सो गाइस अभी भी 20 मिनट रहते हैं। तो गाइस किस्मत से ही सीट जो है विंडो के पास मिली है, और आपको बाहर का टू नज़ारा कराता हूँ मैं ज़रा, सॉरी।
फाइनली पहुंच गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। और मैनचेस्टर एयरपोर्ट, अब यहाँ पे पासपोर्ट और वगैरह बीआरपी वगैरह चेक होना है, उसके बाद फिर ट्रेन स्टेशन। तो गाइस सीन ये है कि मुझे इस टाइम लगी हुई है बहुत सख्त भूख, दूसरा मेरा सर दर्द कर रहा है, और तीसरा ये कि मैंने ट्रैवल कंटिन्यूस किया है जिसकी वजह से मुझे बड़ी ही सख्त सर दर्द कर रही है, मेरी बहुत सख्त सर दर्द कर रहा है, ना कि कर रही है। तो अभी जैसे घर पहुँचना साथ ही मैंने कुछ खा के सो जाना है क्योंकि तबीयत थोड़ी सी नासाज लग रही है। गाइस फाइनली ट्रेन स्टेशन हल वाले पे पहुंच चुके हैं और इस टाइम पे एंड हुई पड़ी है, एंड ये बिल्कुल ही ना सर दर्द कर रहा है, आंखें दर्द कर रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ है आज। अभी कुछ देखता हूँ मैं, कुछ खाने के लिए कोई रेस्टोरेंट या कोई चीज़ ओपन हो वहाँ से कुछ लेने और खाऊँ ताकि थोड़ा सा हिम्मत आ जाए। सो गाइस ऐसे है कि अभी कुछ खाने की चीज़ें मैंने ली हैं अपने लिए और कुछ काकों के लिए, काकों के लिए ये ले ली है, एक चॉकलेट ली है और एक ये टेबल है और एक ये है, साथ में बिस्किट है और एक नीचे वो चॉकलेट है, और अपने लिए कुछ एग्स और ब्रेड ले लिए। तो क्योंकि अभी मैंने मैं नहीं खाऊंगा अभी बाहर से, कुछ घर जाके एक दफ़ा खाना खाना है, ये प्लान बना है, तो घर जाके देखते हैं कि क्या बना हुआ है। तो गैस ये बन गया जी बिल, और अब इसको करते हैं पे। गैस ऐसे है कि करते हैं व्लॉग को एंड, क्योंकि इससे पहले कि मुझे याद ही ना रहे एंड करना, तो अभी घर जाके मैं खाना खा के सो जाऊंगा। तो मिलेंगे फिर किसी इसी तरह अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और तब तक के लिए बाय बाय।